Hi, Shujit. How are you? I'm fine. I'm good. Thank you, Atika. Thanks so much. भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ. मेरे घर में एक साहब थे, वो अक्सर कहते थे 15 अगस्त के दिन कि देखो आज 15 अगस्त को इंडिया में बात होगी कि कैसे हमने सारी जंगों में पाकिस्तान को हरा दिया, और पाकिस्तान में बात हो रही होगी एक दिन पहले कि कैसे हमने हिंदुस्तान में ये कर दिया. लेकिन जिन इस देश को जिस ताकत ने तोड़ा था, इंग्लैंड, वहां जाने के लिए आज भी हर लड़की सैंडल और हर आदमी बूट पहनने को हमेशा तैयार रहता है. बड़ी त्रासदी है, ट्रेजेडी है एक्चुअली, कि हम हस्ती को जो वाकई जिम्मेदार है हमारे बहुत सालों के की मिजरी के लिए, उसको आज भी बहुत आइडियलाइज करते हैं और बहुत शौक से वहां जाना चाहते हैं. लेकिन कई लोग आज भी अपने पड़ोसी मुल्क में नहीं आ जा सकते, और शायद आना जाना उतना चाहिए भी नहीं क्योंकि बड़ी गड़बड़ हो जाती है. लेकिन ये सरदार उधम सिंह के ऊपर जो आपने ये अपना अगला कंटेंट बनाया है, फिल्म बनाई है, और आप जैसे बहुत अकम्पलिश्ड और बहुत समझदार डायरेक्टर ने बनाई है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ. मैंने उधम सिंह के बारे में काफी रिसर्च की. जैसे आपको 20-21 साल लग गए, मुझे भी 2-3 दिन लगे हैं ये बातचीत करने के लिए. वो अपने आप को कहते थे राम मोहम्मद सिंह आजाद, जबकि नाम था उनका सरदार उधम सिंह. तो कुछ देर के लिए मैं आतिका सियाराम फारूकी हो जाती हूँ और आप शुजीत अबुल कलाम सरकार हो जाइए, ठीक है जी? बहुत अच्छा, थैंक यू. आई थिंक यही था उनका. तो आपने ये 20 साल जो आपको लगे समझने में उस शख्स को, और जो हमारे लिए क्रांतिकारी था लेकिन अंग्रेजों के लिए टेररिस्ट था, जिसको फांसी पे भी चढ़ा दिया, जबकि उन्होंने हजारों जाने यहाँ ली थी लेकिन हमारे एक इस शख्स को उन्होंने वहां फांसी पर चढ़ाया था, ये क्या प्रोसेस था? ये कैसे आपके दिमाग में ये पूरा बॉयल किया कि ये एक शख्स था जिस पे आज तक एक फिल्म नहीं बनी है? मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे कुछ नहीं मिला उनके बारे में, अलावा इसके कि बीबीसी की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कुछ वीडियोस हैं. तो ये आपने कैसे शुरुआत की और आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि इसके बारे में जानना चाहिए सबको? देखिए, थैंक यू सो मच. आपने काफी सारी जो भी बातें की, आई मीन बहुत अच्छी अच्छी बातें की अपने उधम के बारे में. जो जो चीजें आपने 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 बहुत दिल से उसको जो आपने अभी बताया उनके नाम के बारे में, बहुत सही. आई थिंक सो अगर मैं आपका मतलब जवाब अगर मैं देना चाहूँ कि कैसे और क्यों मैं ये करना चाहा इसके लिए, कि एक तो जैसे आपने भी जैसे देखा होगा कि इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोग जो है और दुनिया भी उनको जानी है उनके लास्ट 3 महीने में. उन्होंने असैसिनेट किया मार्च में और जुलाई एंड तक उनको उनकी फांसी होगी 1940 में. सो बस जब उन्होंने असैसिनेट किया था तभी उनको जान पाए थे लोग. उसके पहले कुछ मालूम ही नहीं है थे कौन, कहाँ गए, कैसे कहाँ कहाँ घूमा वो. और जो लोग थे, कुछ लोग जिंदा थे, कुछ लोग अभी नहीं रहे हैं. सो थोड़ी बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रही, कुछ किताबों से मिली, कुछ उनके ट्रस्ट से मिली, कुछ उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा था, कुछ जेल के जो रजिस्टर्स हैं उनमें से मिली, ऑर्फनेज के कुछ रजिस्टर में उनका कुछ लिखा हुआ, वहां से कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिला जो उनके खालसा ऑर्फनेज थी. सो ऐसी चीजों को से मतलब टटोलते हुए, देखते हुए, समझते हुए फिर हमने अपना एज ए डायरेक्टर जो इमेजिनेशन की जरूरत होती है उसको हमने एज ए राइटर के साथ शुभेंदु और अपना रितेश के साथ बैठ के मेरे प्रोड्यूसर जो हैं, मेरे जो रिसर्च में हैं वो उनके साथ सो एक ढांचा बनाने की कोशिश की, एक कैरेक्टर बनाने की कोशिश की. और क्योंकि एक रेवोल्यूशनरी को, एक क्रांतिकारी को सब अपनी तरह से देखते हैं, मतलब यू नो. और हमारे यहाँ पे एक है कि उसको एक मिथ और टैबू बनाया जाता है, उसको एक बहुत ही एक ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया जाता है कि जिसको हम छू भी नहीं पाते हैं. लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, वो भी एक हमारे ही जैसा नॉर्मल सा इंसान होता है, बहुत सिंपल होता है, कॉमन मैन होता है. सो उस तरह से, उस नजरिए से मैंने देखने की कोशिश की और उसी को ही मैंने स्क्रीन पे पर्दे में उतारने की कोशिश की.
इंटरेस्टिंग. मुझे कल बड़ी दिलचस्प बात पता लगी सुजीत, आपको भी ये सुन के बड़ा मजा आएगा. एक बड़ा पॉपुलर शो है हमसफर, है तो वो लव स्टोरी, लेकिन उसमें एक एस्ट्रेंज्ड कपल है जो बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो उसके ऊपर एक नज़म यूज की गई, नसीब तुराबी की एक गजल थी कि वो हमसफर था मगर उससे हमनवाई न थी, कि धूप छांव का आलम रहा जुदाई न थी. अब मुझे ये हमेशा लगता था कि एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कह रही है, लेकिन नसीब तुराबी ने दरअसल ये गजल पाकिस्तान में रहते हुए बांग्लादेश के बारे में लिखी थी जब बांग्लादेश अलग हो गया, कि वो हम सफर था मगर हम नवाई नहीं थी, धूप छाव का आलम रहा जुदाई नहीं थी. ठीक उसी तरह हम शहीद भगत सिंह जो थे वो कहते थे मेरी शादी तो जी हो चुकी. किसी ने लिखा था कि चूम लू मैं उस जुबाब को जिस पे आए तेरा नाम ऐ मेरे प्यारे वतन. तो आप शायरी में अपने मुल्क को या एक आइडियोलॉजी को या सूफी अपने भगवान या खुदा को भी अपने प्रेमी के तौर पर देखता है, और शहीद भगत सिंह सरदार उधम सिंह के हीरो थे क्योंकि वो जेल में कुछ वक्त उन्होंने उनके साथ बिताया था, और शहीद भगत सिंह भी देखा जाए तो एक सूफी सोल थे. आप एक्चुअली शहीद भगत सिंह कॉलेज में भी पढ़े हुए हैं, सो एक वो भी कनेक्शन है. ये रेवोल्यूशनरीज का जो दिमाग होता है, ये आधा तो पोएट होता है, साधु संत होता है, सूफी होता है, और आधा इनकलाबी होता है. और सरदार उधम सिंह भी अपने भाई के साथ बेसिकली अनाथ थे, एक ऑर्फनेज में बड़े हुए थे, और वो बच्चा जो बिना माँ बाप के बड़ा हुआ हो उसका क्या दिमाग होगा, क्या समझा आपने उस माइंडसेट के बारे में, उस आदमी के दिमाग और दिल के बारे में? मतलब बहुत अच्छी बात बोली आपने कि एक रिवोल्यूशनरी जो है उसका जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिक्स में सोचता है और राइट ब्रेन जो है वो पोएट्री में सोचता है. यू नो सो रिवोल्यूशनरी भी पोएट्री है एक तरह से. पोएट्री जैसे मतलब वो भी एक इंसान और दूसरे इंसान के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, इंसानियत क्या चीज होती है, यू नो इक्वालिटी क्या होती है, तो ये सब पोएट्री का ही देन है. और इवन शहीद भगत सिंह और तब के जमाने में तो और भी पूरा पंजाब एक साथ था, तो आई थिंक जिस सूफिज्म की बात कर रहे हैं तो आई थिंक दोनों में ही कहीं ना कहीं वो सूफिज्म था, और उसको भी हमने पकड़ने की कोशिश की है मैंने उसी चीज को कि उस जो वो जो एक इंसान होता है वो क्या सोचता है, किस तरह से उसके लिए एक परफेक्ट दुनिया कौन सी है, उसके लिए फ्रीडम क्या माने रखती है, फ्रीडम क्या सच में फ्रीडम है, ये वो कैसी फ्रीडम की बात करता है, अगर वो राइट्स की बात करता है तो किस तरह की राइट्स की बात करता है. तो ये पढ़ते पढ़ते यू नो देखते हुए जितना उनको जाना, यही चीजें जो है मेरे को अट्रैक्ट किया और उसी को ही मैं सामने लाने की कोशिश किया. मैं तो सोच रही हूँ कि मतलब आपका एज अ फिल्म मेकर कितना माइंड कितना इवॉल्व हुआ होगा इस पूरे प्रोजेक्ट के बाद, क्योंकि जो मैंने कुछ थोड़े दो तीन दिन में जितना इनके बारे में पढ़ने की कोशिश की, आई समवेयर चेंज्ड एज अ पर्सन. यू नो देयर वाज दिस फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड की 19 मतलब अर्ली आजादी से 40 साल पहले या 30 साल पहले राउलेट एक्ट आया था, जिसका मतलब ये था कि आप सरकार की कोई भी ब्रिटिश सरकार की मुखालिफत करेंगे तो आपको इंडेफिनेट डिटेंशन में अंदर रख दिया जाएगा. और उसकी मुखालिफत कर रहे थे सैफुल्ला एंड सत्यपाल किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल. और वो सैफुल्ला साहब जामिया मिलिया इस्लामिया के को-फाउंडर रहे, बाद में उनको लेनिन पीस प्राइज वगैरह भी मिला. नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हमारा जो क्रांतिकारी होता है वो किसी दूसरे का टेररिस्ट होता है. नाउ देयर वर टू कंट्रीज इन्वॉल्वड हियर. यहाँ पे जलियांवाला बाग हुआ, लेकिन 20 साल बाद सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके वहां गोली मारी. उस जमाने में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी नहीं था, तो उनके देश के हिसाब से जो लॉ उनके ऊपर लागू होता है. मुझे हैरानी हो गई ये सुन के कि उस जमाने के जो पेपर्स थे उन कुछ पेपर्स ने सरदार उधम सिंह को खराब लाइट में दिखाया और कुछ पेपर्स ने अच्छी लाइट में दिखाया. हाउस ऑफ कॉमन्स में जनरल डॉयर की बहुत मुखालिफत की गई कि ये कैसे उन्होंने कर दिया कि हजारों आदमियों पे निहत्थे आदमियों पे जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे गोली चला दी, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसको ओवरटर्न कर दिया गया ये बोलते हुए कि उसने तो बचाया है आपकी एस्टेब्लिशमेंट को इंडिया में खत्म होने से. तो
ये जो एक ट्रेजेडी है, एज अ पर्सन, एज अ फिल्म मेकर, यू मेड सम रियली इंटेलिजेंट फिल्म्स लाइक पीकू. आपने विकी डोनर के जरिए, मुझे याद है उसका क्लाइमैक्स सीन, मैं कईयों को बोलती हूँ कि वो डॉक्टर लड़की से बोलता है कि तुम लाओलाद होने की बात कर रही हो, ये देखो ये सब बच्चे तुम्हारे पति के बच्चे हैं. ये एक फिलोसफिकल थॉट है जो आप अपनी फिल्मों में लाते हैं. पीकू एक बेटी है, अपने बाप के साथ रहना चाह रही है, उसको नहीं चाहिए शायद हम सफर, या चाहिए भी तो जो भी है वो अपने बाप को चुनती है. मूवीज में किस तरह से सोसाइटी के सोचने का नजरिया बदला जा सकता है? शुजीत, कुछ कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मेरा मानना है कि सिनेमा का सोसाइटी पे असर बहुत ही गहरा होता है. मीन्स ये हम ऐसे बिल्कुल इससे हम अवॉइड नहीं कर सकते इस बात को कि नहीं सिनेमा आप देखें और फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएं आप. यू नो सिनेमा एक आर्ट फॉर्म है और कोई भी आर्ट फॉर्म आपको कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज और विजडम आपके अंदर चीर के भर देने देती है, तो कोशिश करती है. और अगर वो नहीं कर पाती है तो मैं उस आर्ट फॉर्म का फेलियर मानता हूँ. चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी तरह की स्टोरीज हो और किसी भी पहलू को लेके हो, कोई भी कैरेक्टर हो, और वो आपको खुद को भी अगर असर ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने आज इस फिल्म के लिए एक पोशाक पहन लिया और कल मैंने इस पोशाक को उठा के फेंक दिया और मैं वो हुई नहीं और मैं अभी दूसरा हो गया हूँ. ऐसा नहीं हो सकता. आर्ट कभी ऐसा हो ही नहीं सकता. ये यू नो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन. सो आई थिंक उतनी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ और उतनी जिम्मेवारी मैं रखता भी हूँ. और मैंने मेरा जो जितने भी काम आया है उसमें मैंने अपने उतना ही जिम्मेवारी निभाया भी है. Shiji, tell me, you've made film Piku with Irfan and you've been kind of associated with him on a personal level as well as professional level. He's no more with us. And I thought initially that any role in which originally Irfan was envisaged as leading it as an actor, you can never find a replacement. You actually, it's difficult to find a replacement for Irfan. What was that process like seeing Vicky Kaushal instead of Irfan in your mind? Yeah, Irfan ka baat chhid jata hai to bahut, I mean it's difficult to always talk about Irfan. Main kal se kam bahut baar Irfan ke bare mein baat kar chuka hu. Lekin anyway, Vicky, of course, वो जब इरफान का वो जो सिचुएशन हुआ उसके बाद वो आए एज अ कास्ट फॉर सरदारुदम. विकी में अपनी एक अपनी भी उसकी एक पर्सनालिटी है जो जब मैं उससे मिलता रहा, बात करता रहा. और उसकी पहले एक काम देखा था मैंने जिसका जो फिल्म थी उसका नाम था मसान, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. मेरे एक दोस्त है नीरज गेवान, उन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी. सो आई थिंक उसमें ऑलरेडी मैं बहुत ही अफेक्टेड था उनके उस फिल्म से और उसकी फिल्म के किरदारों से, सारे कैरेक्टर से. तो जिसमें विकी, तो विकी ने भी इस मैंने वही देखा कि क्या विकी जो आपने वॉट एवर यू स्पोक यू नो इन टर्म्स ऑफ दी विकीज यू नो उदम्स कैरेक्टर्स के जो नुएंसेस आपने जो यू जस्ट सेड मेंशन, can he carry this or not? Can he feel that pain or does he understand what freedom fighters go through? Does he understand Indian freedom struggle? I mean, you know, because I have met many. I mean, you will be surprised. They don't feel anything of the freedom struggle. Yeah. ये जो आज आजादी मिली है हमको, ये जो whatever freedom we are enjoying. How many people and how the sacrifices have happened. So they have no clue. That's what my main concern, that does Vicky understand this sacrifice or not? Does he know about Jallianwala Bagh, what exactly happened? So him being from Amritsar, I mean outside Amritsar, he's from Hoshiarpur, I think. His parents are. So he knew about that. So people who knew about that and possibly experienced will somehow feel that pain or scar will be there inside them. That exactly I think helped to craft
I think his character, and then he was with me absolutely fully to, you know, to play this role. And I was just wondering, what kind of a treatment have you given to it? You know, we've seen films like I remember Rang De Basanti when it came, and the youngsters saw a different version of Bhagat Singh and, you know, his comrades and associates, more realistic as opposed to what we can understand of them in our history books. What kind of a treatment have you given? Is it like a biography, or is it like a, because, you know, I watched this docu-series on Leander Paes. They've made it like a very simple docu instead of kind of making it like a drama film. That I just watched Rashmi Rocket. That, again, is a very easy treatment. They're not trying to add unnecessary drama or something like that. How have you tried to show him to the world, to Indians particularly? Like, as a common person, in a nutshell, that, you know, revolutionaries are also like a normal human being, a common man. So I think that's what my treatment is, that it's so simplistic. A few things, that when the way he thinks, with the way he moves, the way he, you know, his ideologies are, so which are as normal as anybody on the street today also. So he is as relevant. That's true. And have you been able to transcend, make that smooth transition into the smaller screens as opposed to the bigger screens? Are the sensibilities different here? No, not at all. I think you cannot. And that's what I told you in the beginning. I'm a poetry is the poetry, whether you read it in a book or in a mobile phone. So the essence of the poetry never changes. So similarly, the cinematic experience or the cinematic narrative, that integrity will never go away. I mean, I will keep that always intact. So platforms may change, you know, my exhibitions may change, but that doesn't mean that cinema and the visual treatment that I'm doing, you know, that will change. No, that can never change. And, you know, Shujita recently did a project with Abhishek Chaubey, a film called Ray. Incidentally, I acted in it. And I observed the director, Abhishek Chaubey, who's, again, like you, an award-winning director, a revered director, a person who's known, both of you. I mean, there are some directors who are known for intent, good intent, that you're here to make good cinema. You're very focused and very focused about your work, very focused about the craft, that you would not cheat. You would not, mujhe kehte hai na ki inhone milavat kar di apne kaam mein, wo aap log nahi karte hain. Subah se leke sham tak, that director was quiet, not giving unnecessarily overtly loud reactions or moments or movements. You, as a director, what kind of a person are you? Are you able to kind of meditate and gravitate through the entire chaos around you, what you watch on TV, what's there on WhatsApp, what's there on your YouTube, or you are able to, sometimes you get affected by it? Actually, frankly speaking, I hate shootings. I love the process when the writing is going on. Okay. You know, when I'm conceiving it. I always feel that my film is already, I've made it when the writing process is going on. So shooting is, I do it because I have to make a film, but I hate shootings. And the most important time for my shoot in the shoot is during the chaos and everything, that when I have a good full lunch. And then I go for a quick, like any other Bengali, I go for a nap. And that nap is the most, is a bliss for me, you know. And I hate when somebody comes and knocks, ki sir, shot ready, fir se aajao. I just want to be me there, sleeping, enjoying or whatever, listening to music, reading something. Okay. So that kind of person I am, you can understand now. Aapki family ne dekh li film? Nahi, main edit karta tha, meri betiyan piche se aake jhaankti thi aur waise dekhti thi. They are very critical of me. So thoda thoda dekha hai unhone. So theek laga hai, bahut zyada criticize to nahi kiya abhi tak. Nahi, after all, this is Shujit Sarkar's work. As always, very proud of you. Waqt aane de, bata denge tujhe asma. Hum abhi se kya bataye, kya hamare dil mein hai. Ye betiyon ko bata dijiye. Dekhna, final product jaake dekhna, hum abhi se kya bataye.
बहुत शुक्रिया आपका, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच सरदार। थैंक यू सो मच।